व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं और जानू जा रहे हैं एक बाइक राइड पे। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो रही बाइक हमारी। तो हमने बाइक निकाल ली है एंड अब हम बस निकलने वाले हैं। जैसे ही जानू बैठ जाएगी एंड जानू बैठती है ना, मेरे को पैर दोनों नीचे रखने पड़ते हैं क्योंकि वो ना बैग पे पैर रख के बैठती है। बिल्कुल मार रही है देखो मेरे को। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इससे हमारी बहुत हेल्प होती है एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है, आपके बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अभी बाइक थोड़ी ठंडी है तो तुरंत ऐसे रेस पकड़ रही है। जानू पीछे की तरफ गिर रही है, बोल रही है क्या कर रहे हो। तो हम एक्सप्रेस वे पे जाने वाले हैं क्योंकि हम ऐसे लेजर बाइक राइड पे निकले हैं एंड कोई ऐसे स्पेसिफिक जगह नहीं जाना है हमको, तो इसलिए हमें एक्सप्रेस वे पे चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने जानू से पूछा उसको रास्ता पता है नहीं, तो उसने बोला उसका रास्ता नहीं पता है, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे पहुँचना है, तो मैं अपने हिसाब से लेके जाता हूँ। अगर गलत आ गए तो कोई बात नहीं, एट दी एंड फ़ोन तो है हमारे पास, हम नेविगेट कर ही लेंगे। एंड बस देखो भाई निकल रही है रास्ते पे, तो बिल्कुल ही जगह नहीं बचती है रोड पे। बस वाले तो ऐसे देखो वहाँ बस खड़ी है, बीच में एक बस है, तो राइट में इतनी सी जगह बचती है सबके लिए निकलने के लिए। उसमें बाइक को भी निकलना है, गाड़ी को भी निकलना है। एंड गाड़ी वाला भाई पानी उड़ाते हुए जा रहा है। ये गीला क्यों हो रहा है यार सब कुछ? अच्छा देखना, सारा पानी वेस्ट करता हुआ जा रहा है। मेरे को लगा रेन मोड ऑन करना पड़ेगा। अभी तक बाइक थोड़ी ठंडी है तो थोड़ा गर्म कर लेते हैं खाली रोड मिलते ही। एंड अभी तो अर्बन पे चला रहे हैं क्योंकि आगे थोड़ा सिटी ट्रैफिक आने वाला है एंड सिटी ट्रैफिक में काटते हुए जाएंगे तो अर्बन मोड की ही ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही एक्सप्रेस वे पे आएंगे ना, स्पोर्ट मोड नहीं, आज ट्रैक मोड पे चलाएंगे। बहुत टाइम हो गया ट्रैक मोड पे चलाए बहुत दिन से एंड मौका ही नहीं मिलता, हम स्पोर्ट मोड पे ही चलाते हैं मोस्टली। ट्रैक मोड है कि भाई फुल एयर बूस्ट, मतलब आपका हर एक चीज़ फुल पे होती है, मैक्स पे होती है। एंड ऐसे आपको तभी चलानी चाहिए जब आपके पास फुल मौका है बाइक चलाने का एंड अच्छा एनवायरनमेंट भी है। ये नहीं कि आप ट्रैफिक के अंदर भगा रहे हो, ट्रैक मोड पे कोई पॉइंट नहीं है, उस चीज़ का कोई सेंस भी नहीं बनता है। अरे अंकल जी ऐसे क्रॉस मत कीजिए, बड़े अंकल ऑप्शन भी क्या है? और कोई दूर दूर तक क्रॉसिंग भी तो नहीं है। क्रॉसिंग मतलब बंदा करे तो करे कहाँ से, अगर बीच में यहाँ कोई बंदा है, बंदा इधर उधर तो जाएगा नहीं दूर दूर तक। रिक्शा करके बंदा क्रॉसिंग करने जाएगा नहीं, फिर आगे से फिर रिक्शा पकड़े। तो यही ऑप्शन बचता है कि भाई जहाँ मौका मिले वहीं से क्रॉसिंग कर लो, और उसके बाद यहाँ से कूद फांद के जाना पड़ता है। अरे थोड़ा मज़ा नहीं लेना लहरा के, पर बाइक जब चलेगी तो थोड़ी तो लहरेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड इतनी खाली रोड कैसे देखने को मिलती है, मेरे को तो हैरानी हो रही है। जब मैं सुबह ट्रैवल कर रहा हूँ तब क्यों नहीं मिलती है खाली रोड, तब कहाँ जाती है रोड एंड तब कहाँ से सारे लोग आ जाते हैं इस रोड पे भर भर के, कितनी बड़ी मात्रा में लोग आ जाते हैं। अच्छा ये गोल्फ कोर्स है? ओह हाँ, तभी नेट लगा हुआ था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे है नोएडा गोल्फ कोर्स एंड वहीं से निकल रहे हैं। एंड मेरे को गोल्फ खेलना तो आता नहीं है, लेकिन मैं एक बार ज़रूर ट्राई करने आता हूँ, देखने आता हूँ कि यार क्या लोगों को मज़ा क्या आता है गोल्फ खेलने के अंदर। एक बॉल को मार के उसके पीछे भागते रहो बहुत देर तक, गाड़ी चला के ले जाओ उसके पीछे, सबसे आलसी गेम लगता है मेरे को गोल्फ, बिल्कुल ही बुढ़ों का गेम। हमारे यहाँ पे तो बुढ़े भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गोल्फ पता नहीं कौन खेलता है। यहाँ से हमें कहाँ जाना है? मेरे ख्याल तो अभी भी सीधा ही है, सीधा है, सीधा ही है, अभी सीधा ही है। अभी आगे फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर से लेफ्ट लेना है, मैं दिखाता हूँ। जाने को लग रहा है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, बट मेरे हिसाब से हम भी सही जा रहे हैं। अभी एक्सप्रेसवे का रास्ता आने वाला है, उसको आगे से फरीदाबाद का रास्ता आ जाएगा। मैं नीचे से ले लिया भाई, मेरे को पक्का नहीं पता था एक्सप्रेसवे किस तरफ है, मेरे ख्याल से यहीं है। अभी देखो ओह नो, हम रॉन्ग आ गए और पता ही नहीं चला हमको। अरे आगे से ले जाते हैं ना, अब क्या ही करें, रॉन्ग आ गए हैं तो धीरे धीरे से स्लो से कैम। अरे मैं क्या करूं यार, अब इससे तो बेटर है वो रहा एक्सप्रेस वे, वो रहा। हाँ तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं हम एक्सप्रेस वे पे
तो अब बारी है ट्रैक मोड ऑन करने की। तो हमने कर दिया है ट्रैक मोड ऑन। चलें, भगाऊं हैं, भगाऊं, भगा रहा हूं। हमने स्टार्ट कर दिया है भगाना एंड सामने ट्रैफिक दिख रहा है। मेरा सारा मूड ऑफ अभी से ही हो गया है कि भाई इतने ट्रैफिक में क्या फ़ायदा होने वाला है भगाने का, हमको बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ट्रैक मोड बिल्कुल वेस्ट सा ही फील हो रहा है मेरे को, तो ये कोई यूज़ नहीं होने वाला ट्रैक मोड का। बट अपना फुल अटैम्प्ट मारते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने का, क्योंकि भाई एक्सप्रेस वे है तो थोड़ा तो मौका मिलना ही चाहिए हमको कहीं ना कहीं भगाने का। ये भाई ने अचानक से राइट ले ली, जबकि राइट लेना नहीं चाहिए ऐसे बिना इंडिकेटर दिए, बिना कोई देखे यार पीछे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन कोई नहीं, अपन प्रिपेयर्ड थे उस चीज़ के लिए भी। एंड यही बात होती है कि भले ही आप थोड़ा तेज़ चला रहे हो बट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमेशा किसी भी सिनेरियो के लिए आपको, और उसी हिसाब से चलानी चाहिए। ये सोचते नहीं चलानी चाहिए कि यार आप चला रहे हो तो कोई और आपको परेशान नहीं करने वाला है सिचुएशन के अंदर। हमेशा ऐसे चलाना चाहिए कि भाई कोई भी गलती करता है कभी भी। एंड आगे मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है ना कि मैं बहुत डिस्करेज सा हो गया हूँ इस बाइक राइड के प्रति भी। बहुत ज़्यादा ऐसा एंथुजियास्ट नहीं रह गया हूँ मैं अभी तो, और जितना मौका मिल रहा है उतना चला रहे हैं भाई। और आप इसकी पावर देखिए ट्रैक मोड की, लोग अपनी स्पीड पे चलाते रहते हैं और हम ऐसे भगा के निकाल देते हैं कभी भी कहीं से भी। एंड यहाँ पे इसका ना जो बैंकिंग है ना, जो इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी है, ये आपको देखने को मिलती है इस बाइक की कि भाई कैसे सुंदर कॉर्नर्स ले लेती है बाइक ना कहीं से भी कैसे भी। कभी राइट से निकालना है राइट से निकालो, लेफ्ट से निकालो लेफ्ट से निकालो। और इसके साथ में जो मिशेलिन रोड 5 टायर्स हैं, ओ भाई वो तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब बेस्ट। एंड साथ में इसका डुअल डिस्क डुअल ABS सिस्टम, वो भी कमाल है। हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, जानू बोल रही है सामने पुलिस की गाड़ी है तो थोड़ा लेफ्ट से निकालो ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जो कि हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं। एंड लेफ्ट में चलाने का यही दिक्कत होती है, दो बसें चल रही हैं यार एक के बाद, उसके आगे ट्रक चल रहा है, उसके आगे और कुछ चल रहा है, तो हमें चलाने का मौका ही कहाँ मिल रहा है, पता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब राइड ले लेंगे वापस हम इसलिए, मोस्टली इसलिए ना राइड की तरफ ही लाना प्रेफर करता हूँ। ये तो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ दोस्तों। चलो एक बार अच्छी जगह, किसी ने कोई परेशान नहीं किया हमको, एंड अच्छा मौका मिला थोड़ा सा भगाने का। ये भाई ने जहाँ से ली लेफ्ट एंड हमने किया स्लो बाइक को, क्योंकि हम नहीं लेते बेकार के रेस। हमारी है वापस है थोड़ी ट्रैकिंग करने की। ट्रैक परफॉर्मेंस देखिए इस बाइक की आप, क्लोज कॉल। कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है, बहुत पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट से लेते हैं इसके। क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस था, पहली बार 152 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे हमने ऐसे नॉर्मल से एक्सप्रेस वे पर चला दिया है एंड इतना मज़ा आया, कहीं पे भी फील नहीं होता था कि भाई इतनी स्पीड से चल रहे, उल्टा अब ऊपर की तरफ तो फील हो रहा है। इससे पता चलता है कि भाई ये वाइजर जो है कितना कमाल का, देखो मेरा हाथ कैसे पीछे की तरफ जा रहा है, इतनी ज़्यादा विंड रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वाइजर बहुत ही कमाल का है। एंड ब्रेक इंप्रूव करने का एक और तरीका ही होता है कि आप ऊपर की तरफ हो जाओगे ना तो एयर रेजिस्टेंस आपकी ब्रेकिंग इंप्रूव कर देती है। ओह
बहुत ही सही। अब एग्जिट देखते हैं कौन सा है। तो ये है ओवरटेकिंग लेन जिससे हम ओवरटेक करते हैं मोस्टली। ये है रेस्क्यू लेन जिसपे गाय खड़ी है एक, और इसके बाद बीच वाली दो कार लेन्स होती हैं। एंड आई थिंक ये वाली लेफ्ट जो होती है ना कार से लेफ्ट, वो बस लेन होती है। बट इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है नहीं कि इसमें आप चार लेन्स में डिवाइड करो। मेरे ख्याल से सिर्फ तीन लेन्स ही होनी चाहिए यहाँ पे स्पेसिफिकली। ये जो है वो सर्विस लेन हो गई, आई थिंक वो रेस्क्यू लेन हो गई है हमारी, एंड ये बस लेन। हम अभी कार लेन में चल रहे हैं क्योंकि बाइक की तो कोई लेन होती नहीं है, बाइक की तो कोई औकात नहीं है। स्टार्ट होने से पहले वाला ये हमने ले लिया है एग्जिट। अभी वापस फिलहाल अर्बन मोड पे ले लेते हैं। ओ भाई उस तरह से इतनी तेज आ रहा है बंदा, हमने एग्जिट लिया तो हाँ कितनी तेज आ रहा है बंदा, एग्जिट लेके भाई मर जाए। इतनी तेज आ रहा था बंदा कि बंदा एग्जिट लेके मर जाए। ये एक मेट्रो स्टेशन आ गया है 142 मेरे ख्याल। हाँ तो 142 मेट्रो स्टेशन निकल गया है। अब आगे से हमें वापस का रास्ता मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा मॉल है, एडवेंट है शायद ये। यहाँ पे काफ़ी सारी खाने की जगहें हैं, ये पूरा हब है। सैटरडे नाइट है लेकिन इतना डेड है, मतलब इवनिंग ही है सैटरडे, बट इतना डेड तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूबरू भी है कर्ब स्ट्रॉ। यहाँ से एक रास्ता बनता है लेफ्ट की तरफ। देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा क्या काफ़ी ख़राब है, आगे रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रास्ता है ही नहीं यहाँ। ये मिट्टी मिट्टी पे चढ़ाना पड़ेगा। नहीं मेरे ऑफिस की साइड आ गए ना, ऑफिस है मेरा वहाँ पे। नहीं जाना चाहिए यहाँ से, घुमा के लेके चलूँ है ना, थोड़ा रिस्की मामला है क्योंकि ना दो लोग के साथ। एक तो उस तरह से जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कहाँ ले जाता है हमको। आगे से मेरे ख्याल से मिल ही जाएगा हमें, ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे कूदाने की। वाह ये बिल्डिंग कितनी मस्त लग रही है, मतलब मस्त लग रही है बट क्या सेंस बना है ऐसी बिल्डिंग बनाने का। रॉयल कैप्सन्स डायमंड के काम है इनका शायद, ऐसी बिल्डिंग बनाएगा कोई जो वही डायमंड का काम करता हो शायद। ये एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड है शायद। हमें यहाँ से एग्जिट जरूर मिलना चाहिए एक्सप्रेसवे का। सर्विस रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है एक्सप्रेसवे की, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही भगाने में गाड़ी को। तो चलो एक बार फिर हो जाए। इसकी आवाज़ कितनी प्यारी हो गई थी, ऐसी आवाज़ मैंने इसकी बेयरली कभी निकाली होगी बाइक की। बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसे टाइम से ऐसा लगता है कि भाई आपको एग्जॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं है एक दूसरे एग्जॉस्ट की। भाई क्या कर रहे हो यार आप, पागल कहीं का एक नंबर का। आप बाइक पे थोड़ी हो जो आप ऐसे काट रहे हो अपनी गाड़ी को। ये हुई ना बात, इंडिकेटर हो ताकि बंदे को पता चल जाए कि भाई उसका इंटेंशन क्या है इंसान का, एंड बंदा अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कर पाए। एंड वो जा रही है एक R15। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक मुंडी निकल रही है सनरूफ में से बच्चे की। सही है, ये रही होंडा की नई एलिवेट, काफ़ी कम देखने को मिलती है जबकि ये काफ़ी टाइम से लॉन्च हो रखी है। अब हो गया है वापस घर जाने का टाइम। बहुत ही अमेजिंग बाइक राइड थी, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने टॉप स्पीड अचीव करी है अपनी आज। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। अब हम जा रहे हैं घर एंड आप सबसे मैं मिलता हूँ कल।